नमस्कार दोस्तों, आज मंगलवार का दिन चेस्ट की वर्कआउट करेंगे। आज आप सभी को आज हम चेस्ट की वर्कआउट का वीडियो बनाए हैं। तो आज चलिए आज चेस्ट का पहले हम वार्मअप कर लेते हैं। पुशअप, डिप्स, वार्मअप और पुलअप्स भी मारेंगे, थोड़ा सा हल्का से भी करेंगे। पूरा वार्मअप करने के बाद चलेंगे पहले सेट की तरफ। पहले सेट चलेंगे अपर सेट से। जो अपर सेट से स्टार्ट करेंगे तो उसमें हम 10-10 का दो किलो दो लगाएंगे, इससे मिनिमम 20 लेंगे। 10-10 का लगा पहला सेट का। जो भी होगा आप नॉर्मल लेंगे तो भी आपको 20 या 25 लेना है। जब भी आप एक्सरसाइज कर रहे हैं तो आप उसमें फिर पढ़ना बढ़ाना है, ठीक है। एक्सरसाइज में कितना आप उसमें करते हैं यह आप पर निर्भर करता है। तो आप उसको चलिए पहला जो आप है उसको पहले हल्के आठ से पहले एक बार उसको वार्म कर लीजिए, दूसरी बार उसको स्टार्ट कर लीजिए। चलिए तो आज 10-10 का 20 के जी 20 रैप लेंगे, इसके बाद 10 और बढ़ाएंगे। चलिए 10 हो गया, 40 के जी हो गया, 1, 2, 3, 4 5 पहला सेट का दूसरा रैप, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 या 17 रैप। दो पहले सेट का दो तीसरा सेट चलेंगे, पहले सेट का तीसरा 60 के जी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 या 60 के जी का 9वां रैप तीसरा सेट का चल रहा है। पहले सेट का तीसरा रैप 9 रैप लिए हैं। चलिए 75 के जी, 1, 2, 3, 4 70 के जी का 4 रैप हो गया, एक और 5 रैप या 70 के जी का 5 रैप लिए हैं। चलिए फिर 70 का करेंगे, 1, 2, 70 का 2 सेट लिए 3, 4, 5, 5, 5, 1 और 6 से 1 सेट और लिए हैं, 6 रैप लिए। चलिए अब लोअर बेंच पे चलेंगे। आज थोड़ा सा मीडियम नहीं चलेंगे, आज हम लोअर अपर से लोअर आएंगे, लोअर से फिर मीडियम आएंगे, थोड़ा सा उल्टा साइड रहेगा। इसे हम लेंगे कम से कम 20 रैप। दूसरे सेट का पहला रैप आपको 20 लेना है, दूसरा लेना है कम से कम 18, तीसरा लेना है कम से कम 12। तो आपको 3 सेट इसमें लेना है। अपर पहला सेट खत्म हो गया है, अपर सेट था, दूसरा लोअर बेंच पर चलेंगे। लोअर बेंच पर भी आपको 3 सेट लेना है उसी प्रकार। चलिए 40 के जी का भी लिए हैं, इसके बाद आपको धीरे धीरे बढ़ाना है। जितना आप बढ़ाए एक्सरसाइज करेंगे रैप हमेशा बढ़ाते रहिए और वेट भी बढ़ाइए। चेस्ट बढ़ाना है तो आपको वेट जरूर बढ़ाना है। चलिए आप तो लोअर बेंच का लास्ट रहेगा, इसके बाद मीडियम रेंज पर चलेंगे। अपर लोअर मीडियम 3 रेंज होता है इसमें, तीनों हिस्सा आपको है। अपर मतलब आपका आगे का जो ऊपर का हिस्सा वो बनेगा, लोअर मतलब जो नीचे का कटिंग है वो आता है, उसके बाद जो मीडियम है वो आपको सीने या सीधा रहता है वो आता है। इसके बाद मीडियम रेंज पर 10 के जी तक 20 लगाएंगे। इसे भी हम कम से कम आपको 20 का टारगेट रहेगा तो आपको इसमें 4 स्टार लेना है। 20 रैप कीजिए उस पर 4 स्टार लीजिए। जब तक दर्द ना हो तब तक मज़ा नहीं आता है, दर्द को सहना है तो जिम में आ जाइए करिए, जितना आप इसमें मेहनत करेंगे। चलिए 40 के जी लगाएंगे, इसे हम लेंगे कम से कम 18 रैप। तीसरे सेट का दूसरा रैप 18, आपको जितना दिखे तीनों ब्रेंच पर लेना है, अपर लोअर और मीडियम 3 ब्रेंच हो गया। तीनों पर आपको 3 या 4 सेट लेना है। पहला सेट को आप 4 या 5 सेट लेनी है, उसके बाद आपको 3-3 सेट ले लीजिए।
देखिए, वेट बढ़ाएंगे तो वेट बढ़ेंगे, वेट नहीं करेंगे तो वेट लॉस होगा। एक्सरसाइज में आपको पुशअप टिप्स, ये तो आपको नॉर्मली है, आपको करना है। जितना आप इसमें करेंगे उतना आपका बहुत बढ़िया इसका फ़ायदा मिलेगा। 60 kg का 1, 2, 11 रेप लेने की कोशिश करेंगे, 2, 3 सेट का 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, एक और 10 रेप लेंगे। चलिए अब सुबह मशीन से बटरफ्लाई खेलेंगे, इससे हम कम से कम पहला सेट 6 प्लेट लगाएंगे, 20 रैप प्लेस करेंगे, 20 रैप। पहला सेट जब भी आप बटरफ्लाई लगा रहे हैं मशीन का है तो आपको उसमें 6 प्लेट लगाइए, 6 हो या 4 हो, आपको उसमें कम से कम 18 या 20 बहुत ज़रूरी है। 18 कहिए तो 20 मारिए, इतना आपको करना है हार्ड वर्कआउट। इसके बाद दूसरा सेट लगाएंगे, उसमें 4 प्लेट बढ़ाएंगे, 4 प्लेट का मतलब हो गया आपको 14 रैप, 6 कम कर दीजिए। जितना आप बढ़ाएंगे ताकत उतना आपको निकलेगा हार्ड वर्कआउट, वेरी डिफरेंट। नॉर्मली ज़रूर किया जाता है, उसी प्रकार आपको करना है। इसके बाद डंबल से चलेंगे, सिंपल से 12 12 का 2 चलेंगे और 1 25 का 3 सेट लेंगे, इसका मीडियम रेंज पड़ेगा। हर दिन आपको अलग करना है, ये नहीं कि आप एक ही रोज चीज़ रोज़ मारें, नहीं, आपको हर दिन अलग अलग, क्या आप उसको उस एक्सरसाइज को थोड़ा सा डिफरेंट कर दीजिए, इस तरह आपको करना है, एक ही जैसा नहीं मारना है। जितना आप करेंगे उतना आप पर निर्भर रहेगा। 12 kg कर लेंगे, पहला सेट आपको कम से कम 20 रैप रहेगा, दूसरा 16 रैप रहेगा। इस तरह आपको 12.5 का 2 रैप लेना है और 25 का 1 सेट लेना है, 25 वाले का तो हार्ड वर्कआउट रहेगा। देखिए डंबल से थोड़ा सा जो है उसको क्रॉस के लिए, डंबल जितना क्रॉस करेंगे उतना आपको अच्छा होगा। दो सेट 12.5 का और 2 सेट 1 सेट 25 का लेंगे। मेरे हमारे यूट्यूब चैनल प्रेम गुप्ता जिम को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आप सभी से मेरी विनती है कि आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा मेरे चैनल के बारे में। देखिए आप वर्कआउट कर रहे हैं तो आप पर निर्भर करता है कि आप कितना वर्कआउट कर लेते हैं, ये आप पर है। इसके बाद 25 का भी लेंगे, 25 का 12 रैप लेंगे, वर्कआउट आपको लेना है तो 12 रैप लेना है इसमें। इसके बाद बटरफ्लाई लेना आपको है। देखिए बटरफ्लाई ले भी लेंगे तो पहले हल्का सा नॉर्मल कीजिए, नहीं कि आप एक ही से बढ़ा लीजिए, नहीं, रैप को ज़्यादा खींचिए और हल्का वेट कीजिए। कटिंग लाने के लिए है तो आपको हल्का वेट लगाइए, 5 kg का कम से कम 30-35 लीजिए। जितना ज़्यादा रैप लेंगे आप उसमें आपको बढ़िया इसमें फ़ायदा मिलेगा। 5 का लेंगे 20 लेंगे, 7.5 लगाएंगे 18, 10 लेंगे 12। तो इस तरह आपको लेना है। हर एक्सरसाइज के बारे में आपको जानना है कि यार कैसे किया जाता है, हर हफ्ते आपको चेंज करके कीजिए, तब आपको फ़ायदा मिलेगा इसका। और डाइट का तो आपको बहुत बढ़िया से फॉलो करना है। अगर डाइट नहीं करेंगे तो आपको जिम में कोई मतलब नहीं है। आप वर्कआउट कर रहे हैं और डाइट पर नहीं ध्यान दे रहे हैं तो जिम का कोई महत्व नहीं है आपको। इस तरह आपको जिम कर रहे हैं तो आपको डाइट करना जो जरूरी है, क्योंकि आप खाना पीना नहीं करेंगे तो आपका कोई मतलब नहीं है इसमें। हर एक्सरसाइज के साथ साथ डाइट का भी सेवन बहुत ज़रूरी है। जितना आप करना चाहते हैं उससे और दोगुना फायदा कर सकते हैं। इसी प्रकार आपको लास्ट में पुशअप, डायमंड पुशअप, पुशअप ये सब करना है। इसके बाद लास्ट में ब्रिज करेंगे और कल के लिए आपके लिए बैक की एक्सरसाइज रहेगा। आज कल के लिए आज का चेस्ट वर्कआउट आज के लिए बहुत है। धन्यवाद, नमस्कार दोस्तों, गुड नाइट।